कैसा लग रहा है क्राइस्ट चर्च में घूमकर हैं? वो दिखाई दे जाएगी घूमती हुई। डिजाइन देखो कितना सोना है ना। तो न्यूजीलैंड में ना जी वेजिटेरियन बर्गर भी मिल जाते हैं KFC पे। ये भी हमारा फिनिश और हमारी गाड़ी जो है गुम गई है, हमें पता नहीं लग रहा कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। की कहती सहजे जी, हमारे रैप्स रेडी हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी, आज मैंने शेव कर दी है क्योंकि दाढ़ी हो रही थी बड़ी हुई, तो मैं मशीन कैरी नहीं कर रहा था। आज हम क्राइस्ट चर्च में ही हैं और मैं हमारा होटल है। कपड़े धो दिए हैं, ड्रायर दोनों बिजी हैं, वेट कर रहा हूँ कब ये फिनिश हो मैं डालूँ, क्योंकि इसको ड्राई करना है और उसके बाद जाना है हमें क्राइस्ट चर्च शहर घूमने। तो कपड़े हमने धो लिए हैं, कपड़े धोते धोते इतना समय लग गया ना, लॉन्ड्री आज करके हमने पंगा ही पा लिया, तो 12 बज गए। 2 घंटे लग गए, पहले धोने में लगे 40 मिनट और सुखाने में तो 1.5 घंटा लगा दिया ड्रायर ने, पर फिर भी हमने तैयार हो गए उस समय में, चाय पानी वगैरह पी लिया होटल रूम में ही। और अब हम जा रहे हैं क्राइस्टचर्च शहर के, और जो हमने होटल बुक किया था यहाँ से जो शहर है तो 7 किलोमीटर, लेकिन 16 मिनट का ट्रैफिक की वजह से समय दिखा रहा है। क्राइस्टचर्च मैंने रात को सर्च की थी, ये न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड के बाद का पॉपुलेशन वाइज। तो लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि बाहर ट्रैफिक नहीं होती, वो नहीं होता, जैम नहीं लगता, तो देख लीजिए कितना वो दूर जाके है ग्रीन लाइट, और हम 2 बार जो है हरी लाइट हो चुकी है और ट्रैफिक जा चुका है, अभी तक हमारी जो है बारी नहीं आई है। तो ये देखिए इतनी बड़ी लंबी लेन है और ये है क्राइस्ट चर्च का ट्रैफिक। उस लाइट के आगे भी एक ग्रीन लाइट है, वहां तक ट्रैफिक जा रहा है, वो देखो आगे तक। काफी दूर तक, लगभग 1 किलोमीटर तक जा रहा है, ओवरटेक करके गया है? सही कर तो लोग जो है ना हमें ओवरटेक कर रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से, शायद उनके माइंड में रहता है कि ये बड़ी गाड़ी है ये चल ही नहीं पाएगी और बहुत स्लो होगी, तो कोई इधर से आ जा रहा है कोई इधर से आ रहा है। तो ये ब्लू गाड़ी वाला भी हमारे पीछे था, इसने इधर से निकाल के लगा ली, चलो कोई बात नहीं, क्राइस्ट चर्च का ट्रैफिक भी हमें समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए एक छोटी सी कार उधर लाइटों पे खड़ी हुई है, वहां पे ना मैं फिंगर करता हूँ, वहां पे देखिए आप जहाँ पे मेरी फिंगर है, तो जब पास से गुजरूंगा तो अगर हमारी टर्न पहले आ गई उसके गुजरने से तो मैं दिखाता हूँ। एक ही आदमी बैठा है, शायद ये बुजुर्गों वाली होगी कार, जूम कर लेते हैं। हाँ अब देखिए दिखाई दे रही है आपको, वो रही, हाँ वो ये देखिए क्या कार है भाई साहब। एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं उसमें, और इनके लिए बरसात आ जाए कुछ आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम सिटी के बस बिल्कुल पास ही हैं अभी, यहाँ पे 1 किलोमीटर बता रहे हैं लेकिन 5 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, और मुझे फिक्र हो रही है क्योंकि पार्किंग तो यहीं से फुल होनी शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं आगे, ये 1-way है रोड जिस पे हम जा रहे हैं। ये ऑफिशियली हमारी एंट्री हो चुकी है क्राइस्टचर्च शहर में, आप भी देख लीजिए क्राइस्टचर्च शहर, और सामने ये पार्किंग है, पर इस पे लिख के लगा दिया है कि हमारी गाड़ी की जो हाइट है 3 मीटर से ऊंची है, 3.3 मीटर है, आप 2.8 मीटर तक यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हमारी जो गाड़ी है 0.5 मीटर ज़्यादा हाई है। तो चलो देखते हैं कहीं आगे कोई शॉप वगैरह के आगे मिल जाए, कहीं मिल जाए पार्किंग तो वहां पे लगाते हैं। इस चर्च को ना गार्डन सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत से गार्डन हैं, सबसे मशहूर गार्डन है बोटैनिकल गार्डन, तो आज आपको वो भी घुमाने वाले हैं, बस मौसम साथ दे। तो आप देख लीजिए सिटी सेंटर के बीचों बीच हम घूम रहे हैं क्राइस्ट चर्च के, ये है जी क्राइस्ट चर्च का सिटी सेंटर, देख लो मेरे भाई साहब, ऐसी कुछ है बिल्डिंग, ज्यादा बड़ी नहीं है, ये आइबिस होटल आ गया, यहाँ पे हमको मिलती थी अकोमोडेशन, काफी सस्ती भी थी, लेकिन पार्किंग नहीं मिली हमारी ये गाड़ी के लिए। ये है पार्किंग एक यहाँ पे येलो लाइन वाली, येलो में हम लगा नहीं सकते, पर है भी सिर्फ 5 मिनट की है, 5 मिनट में हम क्या क्राइस्ट चर्च देख लेंगे भाई, लोडिंग जोन है, लोडिंग जोन है। लो जी ग्रीन लाइट है और हम गुजर रहे हैं बिल्कुल क्राइस्ट चर्च शहर के बीचों बीच, ये है जी क्राइस्ट चर्च का सिटी सेंटर, और ये है खूबसूरत सा क्राइस्ट चर्च, यहाँ पे सिटी फिटनेस का जिम भी है, मैं इस जिम का मेंबर हूँ,
मैं न्यूजीलैंड के किसी भी जिम में जाकर नहा सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो ये भी आपको बता दूँ। तो इधर भी है पब्लिक पार्किंग, ये देखते हैं अगर कहीं पार्किंग मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, कोई बात नहीं, अगर पेड यस हुई तो। मिल जाएगी हाँ मिल आपको। जाएगी मिल जाएगी। वाह भाई वाह, लगता है बात बन गई है। पार्किंग हमें एक दिखाई दी है और ओपन है ऊपर से, लेकिन सामने से गाड़ियां बहुत आ रही हैं, क्या करें, इनको पहले गुजरने देते हैं। लगता है रॉन्ग है उस साइड, पीछे से हमें आना था, हम यू टर्न लेकर आते हैं। दोस्तों क्राइस्टचर्च शहर में ना ट्रैम भी चलती है, वो देखिए वो सामने ट्रैम आपको दिखाई दे रही होगी उस साइड, तो अगर पास से गुजरे तो वो भी दिखाते हैं आपको। वो रही सामने ट्रैम, वो आ गई, देखिए अब चल रही है ट्रैम, आपको भी दिखाई दे रही होगी, ये ट्रैम है तो यहीं से गुजरेगी हमारे पास से। तो ये देख लीजिए, ये आ गई है ट्रैम, क्राइस्ट चर्च की ट्रैम, आप इस पे भी सिटी टूर ले सकते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं अगर लग जाए तो गाड़ी, भाई काफी नहीं आई हो उसका तो सीधे बिल्कुल सीधे कर दो बस। क्योंकि रेंटल व्हीकल होने की वजह से हम एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, इनकी टर्म एंड कंडीशन काफ़ी हार्ड रहती हैं। चाहे हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, वरी करने की कोई बात नहीं है, फिर भी आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाती है अगर कुछ गलत हो जाए तो। एक आदमी ऑलवेज जो है पार्किंग वगैरह लगाने के लिए बड़े शहरों में आपको हेल्प के लिए चाहिए, जो आपको गाइड कर सके कि यहाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि पार्किंग जो स्पेस होती है गाड़ियों कारों के लिए बनी होती है, ना कि इन वैन्स के लिए। पर कोई बात नहीं, हमें पार्किंग मिल गई है, अब पार्किंग का पे करते हैं। तो हमने ली है 1 घंटे के लिए $6.60, जो कार्ड का चार्ज पड़ा है $6.60 की 1 घंटे के लिए है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, नाइट रेट्स लिखे हैं, वीकेंड रेट्स लिखे हैं, तो ये है जी हमारा प्राइस। शायद उतना ही कैमरा वगैरह लगा होगा यहाँ पे कि कितने टाइम हम रुकते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से अपने आप कट हो जाएगी। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कैसा इसका डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर देखिए, मॉडर्न डिज़ाइन है काफ़ी, और लिखा है फ्रेश चॉइस सुपर मार्केट यहाँ पे। कैसा लग रहा है क्राइस्ट चर्च में घूमकर, है बिल्डिंग के बीच में से जो वॉकवे है हम उससे गुजर रहे हैं। आप देख लीजिए लाइटिंग वगैरह ला रखी है इन्होंने, शॉप्स वगैरह यहाँ पे बना रखी हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। क्या डिज़ाइन देखो कितना सोना है ना। यस, तो आ गए हैं हम, ये देखिए जी ये बिल्कुल सिटी का सेंटर है, यहाँ पे बैठने वगैरह के लिए बनाया गया है, तो यू कैन सी द बिल्डिंग्स ओवर हियर। ANZ बैंक है इस साइड, वेस्टपैक बैंक है, और सारी शॉप्स वगैरह इस साइड है, ASB बैंक भी है इस साइड। तो ये देख लीजिए, ये सिटी का सेंटर के बीच में हम अब रुके हुए हैं। सिटी के बीचों बीच ये लेन जो है ट्रैम की लेन है, यहाँ पे ट्रैम चलती है। तो आप देख लीजिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का, लोग आपको इधर उधर दिखाई दे जाएंगे सिटी के। तो हम क्राइस्ट चर्च की दूसरी गलियों में आ गए हैं, सिटी सेंटर से थोड़ा आगे, तो ये भी वैसा ही है, शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो पूरी यूरोपियन फील आती है यहाँ पे आके, जैसे आप किसी यूरोप की कंट्री में घूम रहे हो। तो आप देख लीजिए ठंड काफ़ी है, ये ऐसा है बाहर का माहौल, आप देख लीजिए काफ़ी लोग यहाँ पे इधर उधर जा रहे हैं। बस अब हमें जिस स्ट्रीट से हम आए हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वो याद रखनी है जब वापस जाना है, ताकि हम वहाँ अपनी गाड़ी के पास पहुँच सकें। देख रहे हैं ना बिल्डिंग क्लॉक टावर वाली, ये भी सिटी सेंटर के पास ही होती है यूजली। तो इसके क्राइस्ट चर्च का देखिए क्लॉक टावर थोड़ा हाई फाई है, बड़ा शहर होने की वजह से, तो पर है बिल्कुल सामने, आप देख सकते हैं इस साइड KFC वगैरह है, अगर आप में कुछ खाना वगैरह हो तो। ये सिटी होटल देखिए कितना सुंदर है, सामने आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम आउट करके, सिटी होटल और KFC है। तो आप यहाँ बैठे हैं, हम आ चुके हैं जी KFC में, तो ये बैठ गए हैं यहाँ पे, इनको टेबल मिल गया है। अच्छी बात ये है कि काफ़ी बिजी है KFC यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो बर्गर की ऑप्शन है देखता हूँ, तो अगर हमें हमारे खाने योग्य कुछ मिल गया तो यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। रेस्टोरेंट मिला साइज को लग जाती है भूख, सिटी सेंटर में ही है, तो यहाँ पे हमने बर्गर्स का ऑर्डर दे दिया है। तो न्यूजीलैंड में ना जी वेजिटेरियन बर्गर भी मिल जाते हैं KFC पे, ये भी एक अच्छी बात है, तो मैंने वेजिटेरियन बर्गर ले लिया है।
ये $7 का था। थोड़ा मानी को भी यहाँ के बर्गर पसंद आ गए, है ना। हमारा फूड हो गया है यहाँ पे फिनिश और अब निकलते हैं आगे की ओर। नदी के बीचों बीच ट्राम भी रुकी हुई है और स्क्वायर सा बना हुआ है ये देखिए यहाँ पे। तो ये एक और आइकॉनिक इनका डिज़ाइन है, कितना बड़ा है आप देख लीजिए। नाइस, यू लाइक इट? तो सहज लाइक करता है इस डिज़ाइन को। जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं ना, ये चर्च जो था ये आइकॉनिक बिल्डिंग था, तो इसके लिए मैं काफ़ी ढूंढ रहा था कहाँ पे है। तो ये ना ये देखिए, ये रहा बिल्कुल सामने। इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया था ना तो ये पूरी तरह डैमेज हो गया था। ये इन्होंने लिखकर भी लगाया हुआ है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है। तो ये देखिए इसकी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे हैं। ऐसे डैमेज हो गया था जो चर्च था, वो इन्होंने डैमेज इन पिक्चर्स में दिखाया हुआ है। वैसे एंट्री इन्होंने बंद कर दी है, अभी बंद हो गया है ये। अंदर से ऐसा दिखाई देता था ये, तो काफ़ी खूबसूरत चर्च था, कोई बात नहीं। लो जी देखिए, जैस और बानी का देखिए पूरी मस्ती चल रही है, इसको क्राइस्ट चर्च आ गया है पसंद। ये इस बड़े से आइकॉन के नीचे यहाँ स्लिपरी है ना, तो बार बार स्लिप होकर इसको मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो वो सामने देखिए कितना बड़ा होटल है, ये स्पार्क वाले जो यहाँ का टेलीफोन नेटवर्क है उनका ऑफिस है। तो लो जी थोड़ा और घुमा देते हैं आपको क्राइस्ट चर्च की गलियाँ जाने से पहले। अब हम देखते हैं कि बोटैनिकल गार्डन्स कहाँ पे हैं और कितनी दूर हैं, तो वहाँ पे चलते हैं हम। तो वो सामने ऊपर इन्होंने कोई वॉकवे भी बना रखा है ऊपर, तो इस स्ट्रीट से जाते हैं अब, इधर से चलते हैं ना, मैंने लगा स्ट्रीट से। चलो यहाँ से चलते हैं, आपको काठमांडू की शॉप दिखाई दे जाएगी यहाँ पे। और ये इन्होंने बीच में वॉकवे सा बना रखा है, ट्रैम गुजरती है यहाँ से, गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे। कोई लेडी है जो यहाँ पे म्यूजिक चला रही है। वो वहाँ पे सामने देखिए कि बड़ी सी आइसक्रीम बनी हुई है, पूरी की पूरी वॉल पे आइसक्रीम है वहाँ पे। तो देख लीजिए ये मैजिक शो चल रहा है यहाँ पे बच्चों का। सामने बड़ा सा गेट आ रहा है ये वाला, तो जैसे हमारे गांव में बड़े बड़े गेट लगे होते हैं एंट्री गेट वहाँ पे। तो फिर आपको दिखा देता हूँ, ट्रैम जो है शहर में बार बार आपको दिखाई दे जाएगी घूमती हुई। क्या हुआ जी, अब टाइम हो गया है पार्किंग का हमारा फिनिश और हमारी गाड़ी जो है गुम गई है, हमें पता नहीं लग रहा कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो मैप लगाया है, मैप की भी कोई समझ नहीं आ रही, भूल भुलैया सा है। तो अब देखते हैं, ढूंढते हैं फ्रेश चॉइस। तो पहले उसके आपको दिखा दूँ, ये रेस्टोरेंट देखिए बने हुए हैं बाहर, इन्होंने चारों तरफ लगा दिया है वो पॉलीथीन वगैरह, और उसके अंदर बैठ के यहाँ पे डाइनिंग चल रही है। देख लीजिए पोल्स पे लिखा हुआ मैक्सिमम क्लीयरेंस 2.4 होती है, तो हमारी है 3.3, तो इसीलिए गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क नहीं हो पाती। ये पार्किंग का एरिया है मेरे ख्याल से, मुझे तो बस स्टॉप लग रहा है, दूसरी साइड बस वगैरह खड़ी हैं क्राइस्टचर्च की। तो पर बोर्ड वगैरह नहीं लगा है, क्या है ये? बड़ी मुश्किल से मिली पार्किंग, और उसके बाद उतनी ही मुश्किल हो गई हमें ढूंढने में पार्किंग। जैस की तो बस हो गई, क्योंकि बानी मेरे पास आता नहीं था जैस को बड़ा उठाना। प्रेम हमने रखने की कोशिश की थी घर से, लेकिन वो बास्केट तो आ गई, प्रेम पीछे डिग्गी में आ नहीं रहा था। और यहाँ पे हम ज़्यादा मेस नहीं चाहते थे कि बच्चों ने अगर घूमना हो, अगर बीच में सोना हो गाड़ी के, तो प्रेम जो है प्रॉपर नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी जो मूव होती है तो प्रेम इधर उधर गिरता रहता है, इसलिए प्रेम हम ला नहीं पाए। प्रेम भी बहुत मस्त है, अगर आप आ रहे हैं किसी शहर घूमने, बच्चे आपके साथ हैं, तो प्रेम जरूर लाइए, क्योंकि प्रेम के साथ बच्चे भी आसानी से घूम सकते हैं और आप भी इजी रहते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हम जा रहे हैं बोटैनिकल गार्डन से हैं, क्योंकि क्राइस्टचर्च को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। तो अगर गार्डन ना घूमें तो
समझ लीजिए कि आप क्राइस्टचर्च नहीं घूमे। तो देख लीजिए बाहर का व्यू, बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर जो मेरे ख्याल से अर्थक्वेक के बाद मोस्टली बिल्डिंग्स मुझे यहाँ लगा है कि नई बनी है, तो इसीलिए जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है। पुरानी बिल्डिंगें कुछ कुछ बची हैं जिनकी रिपेयर हो रही है, जैसे कि वो चर्च था। अदरवाइज ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वाली, इसका देख लीजिए कितना वुड के साथ बनाया हुआ आर्किटेक्ट है, काफी सुंदर लग रहा है। तो क्या हो गई है ग्रीन लाइट और हम जा रहे हैं अब सीधा आगे की ओर। ये एक और बिल्डिंग आई है साइड, जैसे स्पाइक्स नहीं लगे होते तो ऐसे स्पाइक्स वगैरह लगे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। हाँ तो इधर से ही हम ढूंढ रहे थे जब पार्किंग, तो यहाँ यहाँ तक तो हम आ ही चुके थे और इससे भी पीछे से हम आए हैं, तो देख लीजिए कितना समय लगा होगा हमें पैदल आते हुए। पार्किंग का समय भी ओवर हो गया था। और ये देखिए कुछ इन्होंने पेंटिंग वगैरह करके डिज़ाइन बनाया हुआ है इस बिल्डिंग का, देखिए कितना खूबसूरत है ये वाला, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है इस पर, काफ़ी देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो है ये एक बिल्डिंग ही, लेकिन इन्होंने 3D डिज़ाइन बना के इसको खूबसूरत बना दिया है। तो न्यूजीलैंड के जो भी शहर हैं तो उनको ये यूनिक लुक देने की कोशिश करते हैं आर्किटेक्ट के द्वारा, अपनी पेंटिंग्स के द्वारा, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। साफ सफाई तो यहाँ पे है ही, उसका तो कहना ही क्या। तो देख लीजिए इस साइड कुछ पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दी हैं और काफ़ी सुंदर हैं सभी ये बिल्डिंग्स। और ये आप सामने येलो एरिया देख रहे हैं, अगर कोई बाइक पे है, अगर कोई बाइसाइकिल पे है, तो ये हमें उनके लिए छोड़ना होता है, तो ताकि वो पीछे से क्रॉस आकर अपनी लाइट पे आके रुक सकें, सेफली रुक सकें। इसीलिए इस एरिया में इवन के लाइट्स हैं, आप गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। सामने पहाड़ी पे हुए बसे हुए हैं। हाँ सामने पहाड़ी जो दिखाई दे रही है, कैमरे से पता नहीं दिखाई देगी कि नहीं, पर बहुत सुंदर से घर दिखाई दे रहे हैं। उन सब के पास सिटी का अच्छा सा व्यू होगा। तो यहाँ पे ना दूर तक लाइटें ही लाइटें दिखाई दे रही हैं, जब ये कभी कभी सारी ग्रीन हो जाती हैं तो काफ़ी सुंदर लगती हैं, तो कभी कभी सारी रेड हो जाती हैं फिर और भी सुंदर लगती हैं। तो लाइटें ही लाइटें हैं क्राइस्टचर्च शहर में। थोड़े थोड़े कदम चलिए और लाइटें आपको दिखाई दे जाएंगी। और मोस्टली जो रोड है ये रोड भी वन वे है, तो वन वे ही रोड है यहाँ पे। ये घर भी काफ़ी पुराना लग रहा है ये जो आया है, तो बाकी जो नए हैं अभी इस साइड भी नए लग रहे हैं सारे। कोई कोई जो मजबूत घर था ना वो बच गया अर्थक्वेक में, और बाकी सारी नई कंस्ट्रक्शन हमें अब क्राइस्टचर्च में दिखाई दे रही है। अभी भी क्राइस्टचर्च जो है रीबिल्ड हो रहा है, और काफ़ी कुछ अभी जो है होना बाकी है, फिर से रीस्टोर करना बाकी है। ये देखिए एक और चर्च आया है, तो ये देखिए कितनी पुरानी सी बिल्डिंग है, ये भी बच गया लगता है। तो इसे पैडल थॉर्प का बोर्ड लगा है, पता नहीं ये क्या है, पर काफी सुंदर सी बिल्डिंग है ये। बेचारी ना सो गई है, काफी ऋषभ अपसेट लो। थी रास्ते में, तो मैं और सहज ने फैसला किया है कि हम जाकर बोटेनिकल गार्डन घूम के आते हैं। जब बानी उठेगा तो जैस उसको लेकर आ जाएगी पीछे, तो अभी मैं और बानी चलते हैं घूमने। तो फोन मेरे पास ही है, जैस फोन करके बता देगी। सहज को लेके जा रहे हो पानी को? नहीं, अरे सहज जा रही है आपके साथ, हाँ बानी तो सहज, सो रही तो है। मैं सहज को साथ लेकर जा रहा हूँ, बानी को मम्मी लेकर आएगी बाद में जब वो उठ जाएगी। ये देखिए सहज को कपड़े पहनने के लिए भी दो लोग लगते हैं, कभी कभी पापा कभी कभी मम्मी और वो खुद। पोश इसका कैमरा देखिए कितना बड़ा है आगे, और इस साइड है एंट्री, तो हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। सर और मैं बढ़ रहे हैं क्राइस्ट चर्च बोटेनिकल गार्डन के अंदर। पार्किंग बहुत बड़ी है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, आप देख लीजिए कितनी गाड़ियां यहाँ पे आई हुई हैं। बहुत लोग आते हैं दूर दूर से इन गार्डन्स को देखने के लिए। देखिए जी ये आ गया है यहाँ की छोटी सी लेक बनी हुई है बोटेनिकल गार्डन में, तो सबसे पहले इसी के दर्शन हुए, आपको भी करा दें। डक्स ही डक्स, पक्षी ही पक्षी हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत सा ये माहौल बना हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए, आपको भी दिखा देते हैं ये सुंदर सी लेक। गुम गुम, पता नहीं क्या कर रही है, गुम गुम की कहती सहज है।
गूं गूं चलो आज हाँ जी स्विमिंग कर दिया। ये बोटैनिकल गार्डन में एक आई है, यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है ये, और इसके नीचे बहुत ही साफ पानी का एक नदी सी कह लीजिए चल रही है। फूल कुछ खिले हुए हैं, वैसे तो फूल खिलने का समय जो होता है गर्मियों में या बसंत ऋतु में ज़्यादा देखने को मिलता है, सर्दियों में भी आपको कुछ ना कुछ फूल्स जो हैं कुछ वैरायटीज मिल जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये देख लीजिए फूल वगैरह खिले हुए हैं। तो सहज को दिखाई देगी है प्लेग्राउंड यहाँ पे, सहज को यहाँ पे वाटर वाला भी है लेकिन विंटर में ये बंद कर देते हैं, समर में ही चलता है ये। तो ये उसी बोटैनिकल गार्डन की प्लेग्राउंड है, सैज वांट्स टू प्ले हियर। सैज को आ चुका है पूरा पसंद यहाँ पे। लो बेटा यू नीड टू जंप हाई एंड मेक श्योर यू होल्ड टाइट। सैज का भी क्रैश चर्च आना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इसको तो ऐसा ही बच्चों को रहता है कि खेलने को कुछ मिल जाए। बानी अगर जागता होता तो वो भी खूब फन कर लेती, बानी अब सो रहा है ना। बानी स्लीपिंग बट नो यू नीड टू स्लाइड डाउन, यू कांट वॉक ओवर हियर। स्लाइड डाउन, सेट डाउन। Yes, sit down. Yeah, you can come easily. तो हमने कर दी है बाय बाय प्लेग्राउंड को, अब आगे की ओर बढ़ चुके हैं। सहज को 10 मिनट दिए थे, सहज बहुत ही गुड बेबी है, 10 मिनट बाद खुद ही कहती है कि चलते हैं, तो चलो भाई चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे रूफ सी बना रखी है, गर्मियों में ये पूरी हरी भरी रहती होगी, अब तो पत्तों के बिना है। तो ये एक HF हर्बर्ट मेमोरियल जो प्लेग्राउंड जो उसके लिए बताया गया है कि 1945 में ये बनी थी पहली बार, तो काफ़ी पुराना है ये भी पार्क भी। ट्रीज के पीछे एक और छोटी सी इन्होंने लेक बना रखी है, वो देखिए सामने। तो लेक्स वगैरह इसमें मेरे ख्याल से तो आर्टिफिशियली होंगी या फिर नेचुरल भी हो सकती हैं। तो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है पार्क हमारे लिए और घूमने वालों के लिए स्वर्ग तो ये है ही, लेकिन जितने यहाँ पे पक्षी हैं, जितनी आवाज़ें आ रही हैं, पक्षियों के लिए भी ये स्वर्ग ही है। एक वो देखिए सामने भी एक और पक्षी आपको दिखाई दे रहा, लग रही है आइसक्रीम शॉप। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ओपन होगी, आइसक्रीम बनी भी हुई है। हाँ जी लगता तो है ओपन है शॉप। चलो जी सहज को मिलेगी आइसक्रीम है, आइसक्रीम, और हमने बनवा ली है अपने लिए कॉफ़ी यहाँ से, बोटैनिकल गार्डन की कॉफ़ी और बोटैनिकल गार्डन की आइसक्रीम। ओ लुक्स वेरी नाइस सैज, यस काफ़ी कलरफुल बना रखा है इन्होंने, देखिए रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, ऊपर कोका कोला वाली छतरियाँ और नीचे बैठा हुआ हमारा सहज, सारा कॉम्बिनेशन ही खूबसूरत बना हुआ है। तो जी साड़ी ये है फ्लैट वाइट कॉफ़ी और सहज की है जी आइसक्रीम। मैं और जैस शेयर कर लेंगे, जैस भी कम पीती है कॉफ़ी, मैं भी चाय वाले हैं हम, पर कभी कभी कॉफ़ी भी पी लेते हैं। ये देखिए जी कुछ पुरानी सी बिल्डिंग आई है इस साइड, काफ़ी देखने में सुंदर लग रही है, वन वे है इस साइड लेकर चलते हैं। तो ये अर्थक्वेक वाली सिटी यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ पे अर्थक्वेक का जो डैमेज हुआ था ना, वो देखिए अभी भी यहाँ पे साइड आप देख लीजिए। तो काफ़ी उसके लिए सपोर्ट वगैरह लगा के बिल्डिंगों को बचाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं ये इस साइड आपको लेकर आया हूँ। और सामने ट्राम आपको बार बार शहर में चलती हुई दिखाई दे ही जाएगी। पानी एक घंटा हो गया पीछे सो रहा है, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने तो मज़ा आ गया कॉफ़ी पीकर, कभी कभी इतनी अच्छी कॉफ़ी पीने को मिलती है, तो बहुत मज़ेदार थी कॉफ़ी। तो दिन के बज चुके हैं 3:15 और काफ़ी घूम लिया है हमने, फिर थोड़ा बहुत टायर्ड हो गए हैं। काफ़ी पिछले 2 दिनों से हमने काफ़ी लंबा लंबा ट्रैवल किया है और काफ़ी कुछ प्लेसेस हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसकी वजह से हम भी और बच्चे हमारे हमसे भी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। मैंने और जैस ने फैसला किया है कि चलो चलते हैं, जैस ये देखिए तो फैसला किया है, जैस को भी दिखा देते हैं।
तो चलते हैं अब होटल में। हमारा जो होटल की बुकिंग है 3 दिन के लिए है वो बुकिंग आज की रात, कल भी हम यहीं पे हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा मोटल, काफ़ी बड़ा मोटल है ये, इसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ये सारी गाड़ियाँ इसी होटल में ही हैं। देखिए दूर दूर तक जो बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं ये सारी मोटल की ही हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस में हमको मिल गया है ये 3 रात के लिए, मेरे ख्याल से सबसे सस्ता मिला ना यही 3 रात के लिए, ये वाला मोटल हमको मिला है $324 न्यूजीलैंड का, $108 एक रात के हिसाब से हमको पड़ा है। तो काफ़ी समय से हमारा आराम हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं क्योंकि 5:30 का समय होने वाला है, और हम मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बनाया जाए क्योंकि काफ़ी समय अब सामान पड़ा है हमारी गाड़ी में जो हम लेकर आए थे, बाहर ही हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो आज सोचता हूँ कि अगर रैप ठीक है अभी तक तो रैप बनाते हैं, होल रैप वाले होल मील, तो ये होल मील वाले रैप हैं जो हम लेकर आए थे घर से ही, अभी तक तो इनकी एक्सपायरी डेट काफ़ी टाइम चल जाते हैं और काफ़ी हेल्थी भी रहते हैं। और सैलड में हमारे पास अनियन है, टमाटर है, चीज़ है, और ये लेटस है। कोकुम्बर हमारा जो है ख़राब हो चुका है पता नहीं क्यों, क्योंकि फ्रिज जो है अच्छे से इनकी चल नहीं रही। और साथ में जो आलू टिक्की हैश ब्राउन है वो डाल देंगे, चीज़ जो भी है फ्रिज में। और आज का हमारा डिनर हो जाएगा, तो आज कर लेंगे डिनर जो हम अपनी कैंपर वैन में ही कुक करके। तो मैं सैलड जैस को अंदर दे के आता हूँ, वो बच्चों के पास रुक कर ही काट लेगी, और मैं यहाँ पे रैप और जो आलू टिक्की है उसको बटर के साथ उसको फ्राई कर लेता हूँ। इस ड्रॉ में सभी हैं मसाले, तो हमारे पास हम घर से लाए थे वो भी हैं। तो ये नाइफ एक दे देते हैं, एक है चॉपिंग बोर्ड, ये भी गैस को दे देते हैं। तो कैंपर वैन काम तो आ रही है लेकिन उतना नहीं जितना हमने सोचा था, चलो कोई बात नहीं। अब हमने रख दिया है ये तवा, मैं घर से ही लाया था, तो वेट करते हैं। ये वाली गैस ओब नहीं चलती इसकी, पर ये एक ही चलती है, एक ये शायद इनकी ख़राब है। जितना टाइम आप प्रेस करके रखेंगे इसको ये जलती रहेगी, जैसे ही छोड़ेंगे ये बंद हो जाएगी। चलो हमें एक ही चाहिए, और बटर मेरे पास है ही, बटर में ही रैप बन जाएंगे, बटर में ही हमारे और टिक्कियाँ बन जाएंगी इसी तवे पर, काम हो गया आसान। तो आज का डिनर भी हमारा इजीली सॉर्ट हो चुका है जी। अपनी आलू की टिक्कियां जो हैश ब्राउन है वो भी ब्राउन सी हो गई हैं, और ये हमारे रैप में चली जाएंगी। तो जी हमारे रैप्स रेडी हो चुके हैं, जैस ने अच्छे से सैलड काट दिया था और मैंने जो टिक्कियां गर्म कर दी, तो मिलके 10 मिनट लगे, रैप हमारे रेडी हैं सैलड वाले आलू टिक्की वाले। तो देखिए हमारा डिनर आज का ऐसा है। तो लो जी जैस देखिए नीचे ही बैठ जाती है, इस कहते हैं कि शर्म नहीं करनी चाहिए, नीचे बैठ के खाना हो तो अच्छा होता ही है, क्योंकि हमारे पास टेबल तो है लेकिन हमने कपड़े वगैरह रख दिए हैं इस पे, बच्चों के साथ काफ़ी सामान हो जाता है, और खाने में कहते हैं कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और आज हमारा डिनर जो है क्राइस्टर सिटी में होम मेड, जो हमने अपनी कैरावैन में बनाए हैं रैप्स आलू टिक्की वाले। तो अब जी डिनर हमारा हो गया है, के बाद सो जाएंगे, थोड़ा टीवी जरूर देखेंगे आज। कल का हमारा प्लान है अकारोवा का, और उसके बाद कल आपको अकारोवा घुमाएंगे, उसके बाद हमने एक नई जगह जाना है वो भी आपको दिखाएंगे किस जगह पे जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जल्द ही मिलते हैं आपको कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय।